चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। मौका था भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के पिता के उनके पैतृक आवास पर श्राद्ध भोजन का। पवन सिंह के गांव आरा के चोहरी में कई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग के साथ साथ राजनेता भी पहुंचे। सभी ने पवन सिंह के पिताजी को भावुक श्रद्धांजलि दी। श्राद्ध भोजन में सैकड़ों की संख्या में अस्थाई लोग भी मौजूद रहे। इस दुख के घड़ी में मोकामा विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह ने पवन सिंह के पापा रामा शंकर सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने उनके पिताजी को भावुक श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ पवन सिंह के साथ गांव में यसी फिल्म्स के अभय सिन्हा, राजपूत फिल्म फैक्ट्री के भूपेंद्र विजय सिंह, श्रेयस फिल्म के प्रेम राय और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ के साथ साथ आम्रपाली दुबे भी उनके गाँव पहुँचे। साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, विनय बिहारी, अभय सिन्हा, प्रेम राय, भूपेंद्र सिंह, निरहुआ आम्रपाली ने पवन सिंह के पिताजी को निधन पर गहरा दुख जताया। आपको बताते चले कि पवन सिंह के पिता रमा शंकर जी का 12 अगस्त की रात को निधन हो गया था। 74 साल के रमा शंकर सिंह एक सप्ताह से बीमारी से जूझ रहे थे। आरा के पकड़ी स्थित आवास पर पवन सिंह के पिता का निधन हुआ। निधन के 2 दिन के बाद मुगली घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। निर्माता अभय सिन्हा, प्रेम राय, भूपेंद्र सिंह काफी देर तक पवन सिंह के साथ रहे।